हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं अमन उनसे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत हूँ ए बी गुरुजी शायद। और दोस्तों लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे काफी सारे स्टूडेंट्स के कि सर HSSC ने जो 3864 पोस्ट निकाली थी PGT के लिए, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 20 अगस्त 2019 को आ जाने चाहिए थे, और आज सर 23 अगस्त तक हो चुकी है और हम तो इंतजार करते करते थक गए हैं कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और कब हम उसे भर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों वो पोस्टपोन हो चुके हैं, और क्या इसकी पूरी जानकारी है वो पूरी मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ही ध्यान से, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों जिन स्टूडेंट को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 3864 पोस्ट PGT की HSSC ने निकाली थी, और उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो इन्होंने बताए थे कि 20 अगस्त 2019 को जारी कर दिए जाएंगे HSSC की साइट पर। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 23 अगस्त हो चुकी है और अभी तक HSSC ने ऐसा कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करवाया है जिससे स्टूडेंट इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर ले। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इसको एक कारण बताया है जिसमें इन्होंने पब्लिक नोटिस निकाल दिया है। यहाँ पे दोस्तों दूसरी लाइन आप लोग देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019, 13/2019 और 14/2019। तो ऐसे में दोस्तों अपना जो एडवर्टाइजमेंट था PGT की पोस्ट के लिए वो 13/2019 था, ठीक है। तो 13/2019 के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई, और वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पे पब्लिक नोटिस इन्होंने निकाला है इन्होंने किन्होंने HSSC ने, और यहाँ पे इन्होंने बताया है रेफरेंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019, 13/2019 एंड 14/2019 पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर एंड आल्सो अवेलेबल ऑन HSSC वेबसाइट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट थ्रू द यूआरएल एड्रेस मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। इट इज नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक दैट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर वो जो भी है थ्रू द यू आर एल एड्रेस एज ऑलरेडी गिवन इन द रिस्पेक्टेड एडवर्टाइजमेंट एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो काम का था वो 13/2019 था जो कि PGT की पोस्ट के लिए था, उसके लिए दोस्तों इन्होंने बताया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि रीपब्लिकेशन जो कर दिया जाएगा वो 26 अगस्त को किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब से 3 दिनों बाद में आपको एक वापिस से पब्लिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अब कौन कौन सी पोस्ट और एड की गई है, जो भी पोस्ट रिमूव की गई है उसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बता रखा है 2 सितंबर से आप लोग कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 18 सितंबर की, और यहाँ पे डिपॉजिट फीस के लिए बता रखा है 24 सितंबर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन खास हमारे पास में नहीं है, और ये 22 अगस्त को हालांकि इन्होंने जारी कर दिया था पर मुझे लगा था कि उस टाइम पे स्टूडेंट ने देख लिया होगा, पर जब मेरे पास लगातार व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर कर रखा है, तो वहां पे लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर अभी तक उसका कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, कब तक उसके लिंक आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो ऐसे में मुझे लगा कि शायद नोटिस उन्होंने नहीं देखा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये चैनल आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेगा। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि तो आपका लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से आप लोगों के लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आने में, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में जितने भी आप लोगों पास अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ सकें और हमेशा के लिए ऐसे ही अपडेट्स का सबसे पहले फायदा ले सके। फिलहाल के लिए शुरू में इतना ही, जय हिंद जय भारत।